कुछ दिन पहले ही जिसको रोहित पानी पी पी कर कोस रहे थे, उसी नियम ने जारी आईपीएल 2024 में रोहित को बेंच पर बैठने पर मजबूर कर दिया। मुंबई इंडियंस ने 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच खेला था। रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा थे, लेकिन वह फील्डिंग करने नहीं उतरे थे। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया था, यानी उन्होंने इस मैच में सिर्फ बल्लेबाजी की थी। लेकिन मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर क्यों खिलाया था, इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आ गई है। वजह बताने से पहले आपको बता दें कि रोहित को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखना इंडियन फैंस को रास नहीं आया, तो सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह फैंस साफ साफ कह रहा है कि रोहित के साथ यह बर्ताव अच्छा नहीं है, यह तो रोहित को टीम से बड़ा दर्जा दे रहा है। कुछ दिन पहले ही रोहित ने इंपैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अब यह नियम आपको अपना शिकार बना गया। जब रोहित बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे तो फैंस ने पिछले मैचों की तरह ही उनका जोरदार स्वागत किया। बात तो बहुत अहम है, क्योंकि किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को भी तो इंपैक्ट प्लेयर बनाया जा सकता था, आखिर इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रबंधन। लेकिन ऐसा मुंबई इंडियंस ने इसलिए किया क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे। इस बात का खुलासा पीयूष चावला ने किया। पीयूष चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करने के पीछे की वजह बताई। पीयूष चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मैच से पहले रोहित शर्मा की पीठ में हल्की सी जकड़न थी, इसलिए मैनेजमेंट ने एहतियाती कदम उठाते हुए उनसे फील्डिंग नहीं करवाई थी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।